हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले जान लेते हैं इसका पार्ट कौन से पार्ट रहते हैं। सिलेंडर, इनलेट वाल्व, स्पार्किंग प्लग, एग्जॉस्ट वाल्व, पिस्टन, ये ऊपर वाला है पिस्टन रिंग, कनेक्टिंग रॉड, ठीक है, अरे क्रैंकशाफ्ट। तो पहले जान लेंगे कि फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में कौन से जो स्ट्रोक होते हैं कंप्लीट होते हैं। पहले होता है सक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर पावर, फिर आता है एग्जॉस्ट। तो जो फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है वो हमारा ऑटो साइकिल के प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। तो फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ ऑटो साइकिल इज ऑल्सो नोन एज कॉन्स्टेंट वॉल्यूम साइकिल, ठीक है। तो जो पहले होता है सक्शन, सक्शन कैसे होता है, सक्शन के टाइम पर जब हम बाइक पे किक लगाते हैं तो पिस्टन ऊपर से TDC से BDC की तरफ मूव करता है नीचे, तब जो इनलेट वाल्व है ये इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है। इनलेट वाल्व ओपन हो, ये देख रहा है इनलेट वाल्व ओपन हुआ है। इनलेट वाल्व जब ओपन हुआ है तब जो एयर फ्यूल मिक्सचर है कार्बोरेटर की हेल्प से वो इनलेट वाल्व से फ्रेश चार्ज सिलेंडर पे आता है। जो फ्रेश चार्ज है वो सिलेंडर पे एंटर करता है। तो वो चार्ज के द्वारा पिस्टन TDC से BDC की तरफ मूव करता है। तो पूरा सिलेंडर एयर फ्यूल मिक्सचर से भरा हुआ है। तब जो एग्जॉस्ट वाल्व है ये बंद रहता है, सिर्फ इनलेट वाल्व ओपन रहते हैं। फिर आता है कंप्रेशन। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है, जब पिस्टन BDC से ऊपर की तरफ यानी कि TDC की तरफ मूव करता है तब क्या होता है, जो फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर आया है वो पिस्टन के हेल्प से कंप्रेस्ड होता है। कंप्रेस्ड होता है तब जो इनलेट वाल्व है एंड एग्जॉस्ट वाल्व है ये दोनों वाल्व भी क्लोज्ड रहता है, दोनों वाल्व क्लोज हो जाता है। फिर पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर आर हाईली इंक्रीज, देन द पिस्टन मूव द TDC, देन द कंप्रेशन स्ट्रोक इज कंप्लीट। आफ्टर जस्ट कंप्रेशन स्ट्रोक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड देन द स्पार्किंग प्लग स्पार्क, स्पार्किंग प्लग स्पार्क करता है तब जो एयर फ्यूल का मिक्सचर है वो बर्न हो जाता है। एयर फ्यूल मिक्सचर जब बर्न होता है तब क्या होता, जो एयर फ्यूल का प्रेशर है वो पिस्टन के ऊपर काम करता है। तो पिस्टन TDC से BDC की तरफ मूव करता है। जब पिस्टन TDC से BDC मूव करता है तब होता है पावर स्ट्रोक। फिर आता है एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट क्या होता है, जब पिस्टन TDC से BDC की तरफ आ गया फिर BDC के लास्ट पॉइंट पे जो एग्जॉस्ट वाल्व है वो ओपन हो जाता है। ये देखिए एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो गया। एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हुआ है तो जो बर्न गैसेस है वो एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू बाहर जाएगा, तब इनलेट वाल्व क्लोज रहेगा। फिर जब पूरा ये सिलेंडर खाली हो जाएगा, बर्न गैसेस निकल जाएगा, फिर पिस्टन BDC से TDC की तरफ मूव करेगा, ये साइकिल रिपीट होता रहेगा। और जो एक क्रैंकशाफ्ट है, क्रैंकशाफ्ट क्या करता है, जो पिस्टन पे क्रैंकशाफ्ट करता है क्या, जो पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन है उसको रोटरी मोशन में कन्वर्ट करते हैं। फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग का
यूज होता है, ये हम लोगों को ध्यान रखना होगा। स्पार्क प्लग, फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, और इसको बोलते हैं ऑटो साइकिल, ठीक है। और जो और फोर स्ट्रोक में एक एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए, टोटल 4 साइकिल कंप्लीट होने के लिए लगता है 360 डिग्री, ठीक है। तो एक एक साइकिल के लिए 90 डिग्री, एक एक साइकिल के लिए 90 डिग्री, एक साइकिल कंप्लीट होता है 90 डिग्री में। थैंक यू।